साल भर सर्दी गर्मी बरसात और बसंत जैसे बदलते खुशनुमा मौसम से भी परेशान होकर उसे कोसने वाले लोग भला यह कैसे समझेंगे कि जहां मौसम नहीं बदलता वहां जिंदगी कैसी होती है। जी हां, मैं बात कर रही हूं नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक की, जहां साल भर बर्फीली सर्दी अपना कहर बरसाती रहती है। दुनिया के सुदूर छोर पर बसे ये इलाके बर्फ की चादर से ढके खूबसूरत भले ही दिखे, लेकिन ये खूबसूरती यहाँ रहने वालों की साल भर कड़ी परीक्षा लेती रहती है। दोस्तों, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अगर पृथ्वी को एक फुटबॉल समझे और उस फुटबॉल में छेद करके एक लंबी सीधी वस्तु डाल दे तो यही पृथ्वी की धुरी होगी जिसपे हमारी पृथ्वी घूमती है, और ये लंबे डंडे जैसी वस्तु फुटबॉल के ऊपरी हिस्से से निकलेगी जिसे हम नॉर्थ पोल भी कहते हैं। नॉर्थ पोल दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ का तापमान सबसे कम होता है। नॉर्थ पोल जिसे हम हिंदी में उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं, यहाँ जमीन नहीं होती है। यह जगह 6 से 9 फीट तक बर्फ की चादर से ढकी हुई है और ये बर्फ समंदर के ऊपर तैरता रहता है। यहाँ जमीन की सबसे नज़दीक दूरी लगभग 700 माइल्स है, मतलब आपको यहाँ जमीन देखने के लिए 700 माइल्स तक का सफ़र तय करना होगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस में आने वाले सांता क्लॉज का घर नॉर्थ पोल के इसी बर्फ़ के ऊपर है। ठंड के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर लगभग -34 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और गर्मियों में लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। दोस्तों, यहाँ की गर्मी में भी हमें इतनी ठंडी लगेगी कि हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। नॉर्थ पोल की खोज 1909 में रॉबर्ट पेरी ने की थी। हालांकि ये बात भी कंट्रोवर्सी ही है कि खोज रॉबर्ट पेरी ने की थी। पहली बार प्रमाणित खोज रोयाल्ड एम्सन और उनके साथी उम्बेर्टो नोबिले ने 1926 में की थी, जो कि हवाई जहाज से वहां पहुंचे थे। नॉर्थ पोल कोई देश नहीं है, ये जगह अंतर्राष्ट्रीय समुद्र का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप नॉर्थ पोल पर खड़े हैं तो आपके लिए चारों ओर नॉर्थ ही नॉर्थ है, क्योंकि यहाँ ईस्ट वेस्ट और साउथ नहीं है। यहाँ की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ दिन 6 महीने और रात 6 महीने की होती है, मतलब अगर आप नॉर्थ पोल पे हैं तो 6 महीने तक आपको रात और दिन देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ सर्दियों में 6 महीने की रात होती है और गर्मियों में 6 महीने का दिन। तो आप ये सोच रहे होंगे कि लोग यहाँ सोएंगे कब अगर 6 महीने दिन रहेगा तो। पर यहाँ की कुछ शहरों जैसे लॉन्गरियर बेन स्वॉलवर्ड में लोग अपने आप को ऐसा ढाल लेते हैं कि दिन में भी अपनी नींद पूरी कर सकें। इन शहरों के लोग यहाँ सिर्फ गर्मियों में ही रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ 6 महीने की रात होने की वजह से यहाँ का तापमान बहुत ठंडा हो जाता है। नॉर्थ पोल पे पोलार बियर, आर्कटिक लोमड़ी और सील पाई जाती है। ये जानवर सर्दियों में निष्क्रिय रहते हैं और गर्मी आते ही अपने शिकार पे निकल पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो पोलार बियर से बच के ही रहिए, क्योंकि यहाँ के भूखे पोलार बियर्स कई लोगों की जान ले चुके हैं। धरती के पानी का 1/5 भाग सिर्फ यही बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जिसे हम ग्लेशियर भी कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली जहाज आइस ब्रेकर आर्कटिक ऐसी पहली पानी की जहाज है जो नॉर्थ पोल पे 1977 में पहुंची थी। यहाँ बर्फ के ऊपर सालाना मैराथन का भी आयोजन होता है जो कि 2002 में शुरू हुआ था। नॉर्थ पोल की जगह जो कि पूरी बर्फ की बनी है और पानी के ऊपर तैर रही है, ये अपनी जगह से धीरे धीरे घूमती रहती है। एक्चुअल नॉर्थ पोल, जिसे हम जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी कहते हैं, वो पिछले 1 शताब्दी में ग्रीनलैंड से कनाडा तक पहुंच चुका है। दुनिया का लगभग 30% तेल का भंडार यहाँ मौजूद है, इसलिए सारे देश यहाँ अपना अपना दावा करते रहते हैं। नॉर्थ पोल का कोई टाइम जोन नहीं है,
क्योंकि यहाँ साल में सूर्य एक बार उगता है और एक बार ढलता है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि नॉर्थ पोल पे पेंगुइन रहती है, पर दोस्तों यहाँ मैं आपके भ्रम को दूर करना चाहती हूँ कि नॉर्थ पोल पे पेंगुइन नहीं बल्कि साउथ पोल पे रहते हैं। फेसबुक का डेटा सेंटर जिसका नाम लूलिया डेटा सेंटर है, वो नॉर्थ पोल स्वीडन में है। इतनी दूर डेटा सेंटर बनाने का एक ही कारण है, यहाँ की ठंडक। दोस्तों डेटा सेंटर में ठंड की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जिससे दिन रात चलने वाली मशीनों को ठंडा रखा जाता है। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि पृथ्वी अंदर से खोखली है और इसके अंदर एलियंस रहते हैं, जिसमें जाने का द्वार नॉर्थ पोल पर कहीं गुप्त जगह पर है। रॉडने क्लफ, जो कि वर्ल्ड टॉप सीक्रेट आवर अर्थ इज होलो किताब के लेखक हैं, उन्होंने सिर्फ ये खोखले धरती का द्वार तलाश करने के लिए आइस ब्रेकर जहाज लेकर रशिया से 2007 में निकले थे। नॉर्वे के नाविक और खोजकार ओलेफ जॉनसन ये दावा करते हैं कि उन लोगों ने पृथ्वी के अंदर 2 साल गुजारा है, जो कि उनके लिए स्वर्ग में रहने जैसा था। दोस्तों यूट्यूब के एक जाने माने चैनल सिक्योर टीम 10 के अनुसार नासा भी अपने सैटेलाइट से इस जगह को देख चुका है, इसलिए उसने अपने सारे गूगल अर्थ और गूगल मैप्स के सैटेलाइट इमेजेस में नॉर्थ पोल के उन जगहों की तस्वीरों को धुंधला कर देता है जहां से धरती के अंदर जाने का रास्ता है। तो दोस्तों यह थी उत्तरी ध्रुव से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप अपने कमेंट नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो बिना देर किए मेरे इस YouTube वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक जानकारियां पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।